नमस्कार। आज 5 नवंबर मंगलवार है। हम पहले बात करेंगे आज के बाजार की और फिर कल क्या रुख बनता है उसकी। कल शाम को हमने ये सोचा था कि बाजार में जो एक तेजी का वातावरण आ रहा है वो चालू रहेगा। 11,945 का एक रेजिस्टेंस है, वो टूट जाना चाहिए। विदेशी बाजार भी खुश थे और आज सुबह पहले 5-7 मिनट में हुआ भी यही। उसके बाद से बाजार का रुख बिल्कुल विपरीत हो गया। सारे दिन वो नीचे ही नीचे आता रहा, लास्ट में अंतिम 1 घंटे में हाँ उसने वापस एक ऊपर का रुख किया, पर शुरू के 5 घंटे बिल्कुल वो नीचे ही रहा। सो हम क्या सोच रहे थे और बाजार ने क्या किया वो बिल्कुल विपरीत थे। यानी हमारी सोच और बाजार की जो सच एक्चुअल चाल थी उसमें कोई मेल था ही नहीं। पहला और रुख ये समझ में आया कि बाजार शायद ऊपर नहीं जा रहा है, जब पहले 15 मिनट के लो को मार्केट ने निफ्टी ने तोड़ा तो ये एहसास हुआ कि ये जो गैप अप था, ये जो ऊपर जाने का एक माहौल बन रहा था वो शायद ना बने। और उसके बाद चूंकि हमारा ये व्यू नहीं था कि हम शॉर्ट करेंगे, हम चुप बैठे रहे, बाजार नीचे आता गया उसको देखते रहे। कहीं जाकर बाजार रुका, वहाँ मैंने थोड़ी सी बाइंग की थी, फिर एक सर्ज आया, उस बाइंग में स्टॉप ऑर्डर लगा के यानी कि सेलिंग का ऑर्डर पहले से ही डाल के निकल भी गए। बहुत मामूली सा ट्रेड था, कुछ आया ज़रूर पर बहुत मामूली। और वो इसलिए आया क्योंकि हमारा एक व्यू बना हुआ था कि हम तेज़ी में हैं और बाजार भी लास्ट पिछले 1 घंटे में उस तेज़ी में आ गया था, नहीं तो शायद वो भी नहीं आता। पर ऐसा ही होता है, कभी बाजार हमारे साथ होता है कभी नहीं होता है। हम शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हम ये हमारे प्लान में आज शॉर्ट करना था ही नहीं। अब कल की बात हो गई। अब क्या हो रहा है, निफ्टी 4 दिनों से एक दायरे में चल रहा है। नीचे में 11,843 का सपोर्ट है और 950 का रेजिस्टेंस है। ये 100 पॉइंट रहेगा नहीं, मार्केट अब या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब ये जो टाइट एक रेंज बन गई है इसमें अब जाकर ऐसा एहसास होता है कि बाजार दोनों तरफ जा सकता है। अभी तक हम निफ्टी में बिल्कुल सैंग्विन थे, श्योर थे कि ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, हम सेलिंग नहीं करेंगे केवल बाइंग करेंगे। कल के लिए रुख ये बनता है कि हम दोनों करने को तैयार हैं। तो कैसे ट्रेड करें, सबसे सीधा तरीका है 15 मिनट का हाई लो ले लीजिए। अगर लो टूटने लग जाए तो कम से कम एक बार तो मंदी का वातावरण बन रहा है, और हाई टूटने लग जाए तो समझ लीजिए कि भाई हम वापस शायद उस लेवल की तरफ जा रहे हैं, 12,000 की तरफ। इससे ज़्यादा कल क्या होगा उसको भापना भी मुश्किल है और उसकी बात करना भी सही नहीं है, क्योंकि आखिर तो बाजार फिर कल अपनी चाल अपने आप लेगा। प्लान यही है कि कल हम ट्रेंड डे यानी कि एक तरफी चाल देखें शायद की अपेक्षा कर रहे हैं, और उसको पकड़ने का तरीका है पहले 15 मिनट के हाई और लो को देखना। ये कल की बात हो गई। मैंने आपको निफ्टी की कुछ बातें भी बताई कि अब वो टाइट रेंज में आ गया है, कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब देखते हैं, कल शाम को जब मिलेंगे तो देखेंगे मार्केट ने क्या किया और हमने क्या किया। धन्यवाद।